जी भाई मेरे लिए ट्रॉली ले आया है। आजा सर, हम आपको रवाना करते हैं। मुझे रवाना करें और फिर हम निकलते हैं जी अपनी फ्लाइट की तरफ। बाय बाय, अब हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। सामान हमने रख लिया अपनी ट्रॉली पे और अब हम चलते हैं, चल के बोर्डिंग करवाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी फ्लाइट में बैठेंगे। बाय बाय पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आदिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली संगत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और उन पर अल्लाह पाक का करम हो। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हम जा रहे हैं मुल्तान सुबह सुबह हमारे भाई जान को उम्रे पर रवाना करने हैं। और आप धुंध देख सकते हैं कि आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, वैसे तो कैमरे की आँख से भी आपको नज़र नहीं आ रहा और हमें भी नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। फ्लाइट है वो हमारी है, कितने बजे की है फ्लाइट है शाम? 2 बजे की। कितने बजे की? 2 बजे। 2 बजे की और हम इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? रास्ते में ये लोग देख रहे हो और उधर एयरपोर्ट पर सुना रश लगा हुआ है। जो हमारा एजेंट है ना ट्रैवल एजेंसी वाला, जी जी, उसने तो कहा कि आप 8 बजे घर से रवाना हो जाना। अच्छा जी, हाँ जी। ये देखें जी, एजेंट साहब के नखरे भी हमें उठाने पड़ गए हैं, हमने जल्दी जाना पड़ेगा। और मैंने तो मुँह भी नहीं धोया और बिल्कुल ऐसे ही निकल आया, मुझे इसकी अचानक कॉल ये कि जाना है। चलो ठीक है, निकम में पड़े जा रहे हैं क्योंकि हम हैं ही वेले दोनों। बात तो सही है भाई, ये देख सकते हैं आप कि कितनी धुंध है इस साइड मोहम्मद वाले रोड पर। एक नसीहत है हम तीनों की आपको कि आप ना गैर जरूरी सफर से गुरेज करें क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है और अक्सर इस रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारा सफर करना जरूरी था क्योंकि हमने एयरपोर्ट पे छोड़ना है उनको यहाँ से, तो इसलिए हम ये सफर कर रहे हैं, वरना हमारा कोई मूड नहीं था मुल्तान जाने का। जैसे पहले हम बना लेते हैं बैठे बैठे, तो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं था हमारा। रास्ते में मुझे नींद आ गई थी, मैं भी उठा, इसने ब्रेक लगाई है तो क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था इसने उठा दिया था नींद में से। तो अब आए हुए इधर कोई चावल छोले खाने, इसको भूख लग गई थी तो आपको नहीं लगे? मैंने भी नाश्ता नहीं किया था यार, बात तो पूरी सुनो। लाल तारिक भाई ने भी नाश्ता किया हुआ था माशाल्लाह जी। अच्छा दें जी मुझे, दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल आ गए जी, नाश्ता करते हैं। चावल चौले थे वो बहुत ही मज़ेदार थे, इसलिए हमने पैक करवा लिए। तो ये देखें ये पैक होके आ चुके हैं। पैसे रखो मैं देता हूँ? ना नहीं पैसे हैं जी मेरे पास, खुले पड़े हैं। एक नो बाबा, एक नो वो वापस करो। तो इनाम है मेहरबानी, इनाम बहुत अच्छे चावलों का, इसने इनाम भी दे दिया है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं, बर्बाद किते भी या कहीं को ना करें। इधर दिखाएं ये इतने सारे चावल, तो बस पैसे जाया किए हैं 320 रुपए दे के। अब हम चलते हैं जी एयरपोर्ट पर क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं। A few minutes later. बाबा जी के जो चावल थे ना वो बहुत ही मजेदार थे। चल झूठा, हमने खाए नहीं है और अब हम पहुंच चुके हैं इधर एक नाश्ता पॉइंट पे। ये शान भी साथ बैठा है और ये सामने जी सामने वो नाश्ता पॉइंट है, वहाँ से हमारा जी नाश्ता बन के आ रहा है VIP से। ज़रा देखते हैं ये इनका कैसा नाश्ता है, फिर इसके भी आपको कमेंट्स देते हैं। इन्हें हमारे साथ जुड़े रहना है और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाजमी करें। थैंक यू भाई, आपने इतना मज़ेदार नाश्ता ला दिया, अब खा के हम चेक करते हैं वाकई मज़े वाला है कि नहीं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पराठे को गला देते हैं। हाँ यूट्यूबर हैं हम, हमसे पैसे ना लेना। वो आधे होटल की वीडियो बना दो हम। ओके, छोले भी अच्छे हैं और चाय भी अच्छी है। ये दो पराठे और छोले इसने ही खाने हैं, मैंने सिर्फ चाय पीनी है। भूख नहीं है मुझे। चाय अच्छी है, चाय शाय पी के और नाश्ता करके हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल फ्री। और बस ये इसने बचा दिया है क्योंकि इसने खा नहीं सका, इतनी भूख नहीं थी तो इसलिए बच गया है। इसकी बेहरमती हो गई है लेकिन क्या कर सकते हैं, और मुझे भी भूख नहीं है कि मैं खा लूँ वरना मैं खा लेता। बर चले ना अब, ये गलत कर रहा है, मैंने इसका भी कहा था साथ तो इसने बिल्कुल नहीं खाया, तो ये सारा मैंने खाया, तो इतना तो बनता ही है ना यार। बस क्या करें, मुझे भूख जो नहीं थी मैंने इसको पहले मना किया था लेकिन इसने फिर भी मंगवा लिया। तो हमने नाश्ता कर लिया, अब हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। ये जो इस होटल पे हमने किया ना नाश्ता, ये अपना एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन 2 मिनट का सफ़र है। तो इस होटल का नाम है एयरपोर्ट होटल,
तो इधर से हमने नाश्ता किया, बहुत अच्छा नाश्ता था। तो बारह लोग निकलते हैं इधर से। फिर ये पाकिस्तान का हाल देखें आप, कि इन्होंने पाकिस्तानी आवाम कैसी है, उन्होंने खूबसूरती के लिए ठहराया है। और इधर ये देखें बच्चे चढ़ा दिए हैं, दुश्मन के लिए भी डरे दुश्मन। देखें हम जी एयरपोर्ट के अंदर अब जा रहे हैं, तो फिलहाल इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आगे जाके आएगी ना सिक्योरिटी, गेट पे एंटर होता है वो सिक्योरिटी आएगी। वैसे जैसे मैं आया था तब तो इधर भी सिक्योरिटी वाले बैठे थे और जा भी रहे हैं अंदर, उनको मेरे ख्याल से रोक भी नहीं रहे, खाली होंगे यार। नहीं यार, यार ये जाते हैं ना 50-50 लोग, एक ही काफिला होता है, तो ये वो होंगे जाहिल लोग नहीं है, ऐसे आप लोगों को ऊपर लगा। उतर रहे हैं गाड़ी से ना, सामान निकालते हैं, फिर पहुंच चुके हैं मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सामान निकाल दें। हैं जी भाई मेरे लिए ट्रॉली ले आया है, आजा सर हम आपको रवाना करते हैं, मुझे रवाना करें और फिर आप वापस जाओगे? वापस जाएंगे सर। चलो अच्छी बात है, फिलहाल आप मेरा सामान रख दो इसके ऊपर, तो ये डिग्गी में सामान पड़ा है मेरा, ये निकालो इसको और फिर हम निकलते हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। बाय बाय, अब हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। चल झूठा। देख रश आप देख सकते हैं जी, ये लाइन में लगना पड़ेगा तो फिर जाके बोर्डिंग होगी। तो तकरीबन यहाँ पे लाइन में लगे लगे 2 बजे फ्लाइट है और हम यहाँ पे 11 बजे पहुँच चुके हैं। 11 बजे के बाद ही जाके हमारी फ्लाइट अपना 11 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई हुई अभी, तो 2 बजे हमारी फ्लाइट होनी है। तकरीबन 11 से 2 बजे तक तो इसी लाइन में लगना ही पड़ेगा, तो फिलहाल इसी लाइन में लगते हैं। लेकिन फिर अब हमने जाना भी है ना वापस तारिक भाई को छोड़ के, तारिक भाई ये हैं जो तारिक भाई जा रहे हैं उमरे पे, तो अल्लाह पाक हमें भी लेकर जाए इंशाल्लाह, हम भी एक दिन आएंगे और उमरे पे जाएंगे अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक हमें भी बुलाएगा। देखते हैं तारिक भाई पैस नोट गिन रहे हैं, देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी रुपीज में हमें कितने मिलते हैं वहाँ के दिरहम। कितना है ये? 90,000। बस आ जाओ फिर चलें, दोनों ब्लॉगरों का चेंज होके आ चुके हैं। कितने बने हैं? 4 ये बने हैं, कोई 844 आए हैं हमारे पास। और जी तारिक भाई अब आप रियालों के साथ खेलें, तारिक भाई को रियाल मिल चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बकाया पैसे भी मिल चुके हैं उनको। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई को यहीं से हम सी ऑफ कर रहे हैं और ये हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक हमें भी उम्र में बुलाए इंशाल्लाह। तारिक भाई को यहीं से सी ऑफ करके अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ और हमने अब जाना है वापस कोटद्वीप जल्दी में, क्योंकि आसान का कोई रिश्तेदार था तो उसकी डेथ हो गई है, तो अभी कॉल आई है कि आप वापस आ जाएँ। उसका 2:30 बजे नमाज जनाजा, हमें 1 घंटा लग जाएगा वापस जाने में। अल्लाह पाक जो जिसकी डेथ हुई अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अब हम अपनी गाड़ी भूल गए, अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की थी, गाड़ी आ गई है, बैठते हैं जी अपनी गाड़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर लिया अपना और जा रहे हैं जी वापसी, अल्लाह खैर करे 1 घंटे के अंदर हम वापसी पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब धुंध भी नहीं है, देख रहे हैं आप तो फॉग वगैरह नहीं है, काफ़ी हद तक कम हो चुकी है क्योंकि सूरज भी निकल रहा है आस्ता आस्ता। पाकिस्तान के अमीर लोगों का हाल है बेचारा, देखें गरीब पीछे बैठा है, गरीब है ना वो इसलिए पीछे बैठा है, अमीर होता तो आगे बैठा होता। यार कुछ एहसास किया करें आप लोग, मेहरबानी की करें, ऐसा ना किया करें अपने गरीब लोगों के साथ। देखेंगे वो बेचारा कितनी सर्दी है तो उसमें इन्होंने पीछे बिठाया हुआ उसको, बहुत अफसोस होता है और दुख होता है यार जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं ना, अल्लाह पाक ने उनको पैसा दे दिया होता है और अपने ड्राइवर और उनको पीछे बिठा देते हैं। यार ऐसा ना किया करें, मेहरबानी की करें, ऐसा ना किया करें। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस अपने घर खैर खरियत से, तो तारिक भाई को छोड़ आए हैं हम एयरपोर्ट पे, वो अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं, अभी हमसे बात हुई है उनकी। तो बहरहाल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो आप हमारे लिए भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें और आप सबको उम्रे की तौफीक अता फरमाए, उम्रे हज की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़्यारत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ से आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, तो अल्लाह हाफिज़।